आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने आधार कार्ड में ऑनलाइन एड्रेस चेंज कैसे कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अपने आधार कार्ड में एड्रेस ऑनलाइन चेंज करने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फोन में कोई सा भी ब्राउजर ओपन कर लेना है। तो यहाँ पर आपको अपने ब्राउजर में सर्च करना है myaadhar.uidai.gov.in। तो जब आप यहाँ पे ये सर्च करेंगे तो इसके बाद आप यहाँ पे आधार कार्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे। और यहाँ पर इस वेबसाइट पे आने के बाद आपको यहाँ पे स्क्रॉल करके थोड़ा सा नीचे आना है। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा लॉगिन का, तो आपको लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो जब आप लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो इसके बाद आपके सामने यहाँ पे पहला ऑप्शन आएगा इंटर आधार का। तो यहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड नंबर लिख देना है। इसके बाद ये जो कैप्चा दिया हुआ है, ये कैप्चा सेम टू सेम यहाँ पे आप टाइप करेंगे और इसके बाद आपको सेंड ओटीपी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो जब आप यहाँ पर सेंड ओटीपी वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो इसके बाद आपके आधार कार्ड के साथ आपका जो सभी मोबाइल नंबर लिंक होगा उस मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा 6 डिजिट का। उसके बाद जब आपके नंबर पे ओटीपी आ जाता है तो वो ओटीपी यहाँ पे आप टाइप करेंगे और इसके बाद आपको लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो जब आप लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे सक्सेसफुली लॉगिन हो जाएंगे। तो आप यहाँ पे एड्रेस चेंज करने के लिए आपको यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आना है और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा एड्रेस अपडेट का। तो इस वाले ऑप्शन पे यहाँ पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने यहाँ पे एक और ऑप्शन आएगा अपडेट आधार ऑनलाइन, तो इस वाले ऑप्शन पे यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। तो इसके बाद आपके सामने यहाँ पे कुछ बहुत सारे डिटेल आ जाएंगी। तो यहाँ पे आप प्रोसीड टू अपडेट आधार वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो इसके बाद आपके सामने यहाँ पे 4 ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे आप सबसे लास्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे जो है एड्रेस का, तो इस पर आप क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपको प्रोसीड टू अपडेट आधार वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इसके बाद यहाँ पे सबसे ऊपर आपका करंट डिटेल देखने को मिल जाएगा, मतलब अभी आपके आधार कार्ड पे आपका जो एड्रेस होगा वो एड्रेस आपको यहाँ पे शो होने लग जाएगा। तो अब हमको एड्रेस चेंज करना है, इसके लिए आप यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे और इसके बाद आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा डिटेल्स टू बी अपडेटेड। तो अब आपको यहाँ पे वो एड्रेस फिल करना होगा जो आप अपने आधार कार्ड में अपडेट करवाना चाहते हैं। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन है केयर ऑफ का, तो केयर ऑफ वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको अपने फादर का नाम लिख देना है और जैसा नेम आप अपने आधार कार्ड पे अपने फादर का चाहते हैं वो नेम आप यहाँ पे लिख देंगे और उसके बाद यहाँ पे हिंदी में ऑटोमेटिक आपके फादर का नेम आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे अगला ऑप्शन है हाउस बिल्डिंग अपार्टमेंट नंबर। तो देखिए, अगर आपके घर का कोई नंबर है जैसे A25 A26, तो यहाँ पे आप अपने हाउस का या फिर बिल्डिंग का नंबर लिख सकते हैं। अब जैसे मेरे हाउस का नंबर है A25, तो यहाँ पे मैं A25 लिख दूंगा। इसके बाद यहाँ पे अगला ऑप्शन है स्ट्रीट रोड लेन का, तो यहाँ पे आपको अपने एरिया या फिर गांव का नाम लिखना है। अब जैसे यहाँ पे मैं रहता हूँ यादव नगर में, मतलब जहाँ पे मैं रहता हूँ उस एरिया का नाम है यादव नगर, तो यहाँ पे मैं यादव नगर लिख दूंगा। इसके बाद यहाँ पे अगला ऑप्शन है एरिया लोकेलिटी सेक्टर का, तो यहाँ पे आप अपने एरिया का नाम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं, मेरा जो एरिया है वो समयपुर है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा समयपुर। तो यहाँ पे समयपुर जब आप लिख देंगे तो इसके बाद ऑटोमेटिक यहाँ पे हिंदी में नाम आ जाएगा। तो इसके बाद यहाँ पे आपको अगला ऑप्शन देखने को मिलेगा लैंडमार्क का, तो अगर आपके घर के आसपास कोई फेमस जगह है या फिर कोई फेमस शॉप है तो यहाँ पे आप उसका नेम लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे अगला ऑप्शन है पिन कोड का, तो इस वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको अपने एरिया का जो पिन कोड है वो टाइप कर देना है। तो जब आप यहाँ पे पिन कोड टाइप करेंगे तो इसके बाद यहाँ पे आपका स्टेट, आपका डिस्ट्रिक्ट ऑटोमेटिक आ जाएगा। और यहाँ पे लास्ट ऑप्शन है विलेज का, तो आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और आपका जो भी विलेज है यानी गांव है वो यहाँ से उसका नाम आप सेलेक्ट कर लेंगे। अब जैसे हमारा विलेज है बादली, तो यहाँ पे मैंने बादली सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद यहाँ पे पोस्ट ऑफिस का नाम ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो यहाँ पे आप जो भी एड्रेस अपना आधार कार्ड में करवाना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको अपना न्यू वाला एड्रेस पूरा फिल कर देना है। तो एड्रेस यहाँ पे फिल करने के बाद अब आपको यहाँ पे एक प्रूफ देना पड़ेगा, मतलब कि आपने यहाँ पे जो भी एड्रेस फिल किया है तो आपके नाम से कोई ऐसा डॉक्यूमेंट होना चाहिए जिस पे ये एड्रेस लिखा हो न्यू वाला, तो ऐसा आपको कोई प्रूफ देना होगा। तो प्रूफ में आपको यहाँ पे बहुत सारे डॉक्यूमेंट देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल दे सकते हैं, गैस कनेक्शन बिल दे सकते हैं, आप अपने बैंक के स्टेटमेंट दे सकते हैं, और भी आपको यहाँ पे बहुत सारे डॉक्यूमेंट देखने को मिल जाते हैं जो आप यहाँ पे एड्रेस प्रूफ में दे सकते हैं। अब जैसे कि मान लीजिए
कि यहाँ पे मैं वोटर आईडी कार्ड देना चाहता हूँ अपने एड्रेस के प्रूफ के लिए, तो यहाँ पे मैं वोटर आईडी वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लूँगा। इसके बाद आपको यहाँ पे ओके पे क्लिक करना है और अब आपको यहाँ पे अपने जो वोटर आईडी कार्ड है उसको यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। तो अपलोड करने के लिए यहाँ पे आप व्यू डिटेल्स एंड अपलोड डॉक्यूमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको कंटिन्यू टू अपलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको अपने वोटर आईडी कार्ड का जो पीडीएफ है उसको यहाँ पे अपलोड कर देना है। तो देखिए यहाँ पे जो आपका डॉक्यूमेंट है जब वो अपलोड हो जाता है तो इसके बाद आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो जब आप यहाँ पे नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो अभी आपने यहाँ पे जो अपना न्यू वाला एड्रेस फिल किया है वो एड्रेस आपके सामने यहाँ पे हिंदी में और इंग्लिश में आ जाएगा। तो एक बार आपको यहाँ पे अच्छे से दोबारा से चेक कर लेना है कि आपको अपने आधार कार्ड में यही एड्रेस अपडेट कराना है या नहीं, और जब आपको लगता है कि आपने यहाँ पे जो नया वाला एड्रेस है वो आपने सही फिल किया है तो इसके बाद आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। और अब आपको यहाँ पे 50 रुपये का फ़ीस पेमेंट करना पड़ेगा। तो देखिए अगर आप अपने आधार कार्ड में ऑनलाइन एड्रेस चेंज करवाते हैं तो इसके लिए आपको 50 रुपये की फ़ीस पे करनी पड़ेगी। तो पेमेंट करने के लिए आप यहाँ पे इस वाले बॉक्स पे टिक करेंगे। इसके बाद आपको नीचे दो पेमेंट मोड देखने को मिल जाते हैं, एक है रेजर पे, दूसरा पेयू है। तो यहाँ पे आप दोनों में से कोई सा भी सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं रेजर पे वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद आपको मेक पेमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो इसके बाद आपके सामने यहाँ पे पेमेंट वाला जो पेज है वो ओपन हो जाएगा। तो अब आपको यहाँ पे 50 रुपये के पेमेंट के लिए बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, जैसे फ़ोनपे, पेटीएम, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड। तो जिससे भी आप यहाँ पे पेमेंट करना चाहते हैं वो ऑप्शन आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। अब जैसे मैं पेटीएम से पेमेंट करना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं पेटीएम वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लूँगा। इसके बाद यहाँ पे जो आपका पेमेंट है उसको आपको फटाफट पे कर देना है। तो यहाँ पे मैं पेमेंट कंफर्म होने के बाद आपको बताता हूँ कि आपको आगे क्या करना है। तो जब आपका पेमेंट ऑनलाइन सक्सेसफुल हो जाएगा तो उसके बाद यहाँ पे जो आपका एप्लीकेशन है वो सबमिट हो जाएगा और उसके बाद आपको कुछ इस तरीके का एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप मिल जाता है। तो ये स्लिप मिलने के बाद अब आपको यहाँ पे एक हफ्ते से लेके 15-20 दिन का वेट करना है। कई बार यहाँ पे जो आपका एड्रेस है वो 1-2 दिन में अपडेट हो जाता है, कई बार एक हफ्ता लग जाता है और कई बार एक महीना लग जाता है। मतलब इसका कोई भी फिक्स टाइम नहीं है, लेकिन आपको वेट करना है और हफ्ता 10 दिन के अंदर जो आपका एड्रेस है वो अपडेट हो जाएगा। तो इस तरह से आप ऑनलाइन अपने आधार कार्ड में अपना एड्रेस चेंज कर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए और प्लीज़ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।